बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। आज के नए ब्लॉग का करते हैं आगाज़ और आपने बहन भाई रहना हमारे साथ साथ। तो माशाल्लाह जी हादी भी आज माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है और मैं भी बेटा यहाँ की अब सहन की सफाई वगैरह करने लग रही है क्योंकि बाजी की तबीयत सही नहीं है, बुखार हो रहा है कल से, तो तबीयत सही नहीं है तो लिटी नहीं है। तो हादी आपे को तंग नहीं करना, ठीक है? बोली बात, हाँ तंग नहीं करना, शद के कुछ कह रहा है आपको, ये पूछो क्या कह रहा है, क्या कहना है? बस खेल रहा है। चलो फिर सफाई वगैरह कर लो, फिर मैं भी अपने घर की जाके सफाई वगैरह कर लेती हूँ। कमरे की सिर्फ मेरी सफाई रह रही, बाकी मैंने सहन की अच्छी तरह सफाई वगैरह कर ली है। और माशाल्लाह जी मौसम भी बहुत ही खुशक हो रहा है और धूप भी निकली हुई है, शुक्र है। धूप निकलेगी तो सहन वगैरह सूखेगा, क्योंकि दो तीन दिन हो गया बारिश हो रही थी दिन रात को, तो आज दिन जो है बड़ा टाइम। हाँ जी, आज टाइम से निकला हुआ है। इसी तरह सुबह वहाँ से बादल आ रहा था काबे की तरफ से, तो शुक्र है फिर ना हवा वगैरह चली है तो बादल जिन कह रहे हैं भाई साफ हो गया मौसम बिल्कुल। माशाल्लाह सारे अपने सहन की सफाई वगैरह कर ली है, तो अब चलती हूँ रुकिया सिस्टर के पास, तो देखती हूँ रुकिया सिस्टर क्या करने लगी। उसके बाद मेहमान आए हुए, उन्हें बताती हूँ मैं आपके मेहमान आए हुए। रुकिया सिस्टर को मैंने कहा है आपके मेहमान आए हुए बाहर, मुझे लगा रहा बाजी या पठानी है वो आई हुई हैं, तो आपको मुझे अच्छा माशाल्लाह सही सही है, ठीक है। चलो फिर उन्हें अंदर बिठाओ कमरे में। माशाल्लाह से सारे सफाई जो हमने कर लिया सारा काम भी, और कबूतर भी इधर आए हुए हैं और मैंने लकड़ियाँ भी इधर कर दी हैं, ये बाहर दो में रख दिए हैं और उधर वाले भी, मुझे लग रहा है सारे कबूतर खुले हुए हैं इधर, मैं देखती हूँ जाके। अभी तो सिर्फ तीन ही बैठे हैं इधर, अभी सारे बंद ही हैं। खाला को कहती हूँ कि आपके जो कबूतर हैं ना बिल्कुल बंद, सॉरी बंद नहीं, आधे निकले हुए आधे बंद हो रहे हैं आपके कबूतर। हाँ जी, बर्तन है काफी सारे आपके भी हैं और मेरे भी हैं, समय बेटा कहती है खाला अपने आप धो लो, बाकी मैं अपने ना खुद धो लूंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं धो दूंगी, कह रही मैंने खाला आप अपने धो लो। ये समिया ना कभी काम करने का दिल करता तो सारों की करती है, कभी नहीं करता तो सारों की नहीं करती। बस बच्ची है ना, अभी जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं डली ना, जब सर पे डलेगी ना हाँ जी फिर समझदार हो जाएगी। हाँ जी, वैसे तो काम माशाल्लाह करती है, सारा करवा देती है आपके साथ भी काम, मम्मा से भी करवा देती है। हाँ जी, बस कहते हैं कि बच्चा अपने मूड में होता है ना फिर तो सारा काम हो जाता है, जब मूड में नहीं होता तो किसी का भी नहीं होता। हाँ जी सही बात है, माशाल्लाह फिर कोई ना कोई आरा जा रहा है, राशन वगैरह पैक करना पड़ता है। हाँ, तो देना पड़ता है माशाल्लाह, आज भी माशाल्लाह काफी जने के भी माशाल्लाह काफी जने को राशन दे दी है। हाँ, अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दे जो रमजान में दे रहे हैं, सब जने के भी दुआ मांग रहे हैं, सब हाँ बहुत ज्यादा दुआएं मांगते हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दे दिया, आमीन। उनके घर में जो भी दुख है तकलीफ है मसले मसल्ला में रमजान के सदके से उनके ना सारी दुख तकलीफें खत्म कर दे, आमीन। बस फटाफट मैं बर्तन धो लेती हूँ। हाँ जी, तो फिर देखते हैं और के काम है तो फिर वो करते हैं। शुक्र है आज मौसम भी काफी यानी कि सही हो गया, जमीनें वगैरह भी सारी गिल्ली थी खुशक हो गई हैं जरा, अभी यहाँ चिक्कड़ है थोड़ा सा, अभी कल रखिए के घर में भी चिक्कड़ है, वो भाई शौकत भाई ने कल लम्बी नीचे मट्टी वगैरह डाली है तो अंदर वो आई हुई आंटी वगैरह आई हुई बातें वगैरह कर रही है। हाँ जी, के घर तो माशाल्लाह जी ये पता नहीं ये बूढ़ है पता नहीं क्या चीज़ है, इसको भी माशाल्लाह ना छोटा छोटा फल लगा हुआ है, ये भी मुझे लगा रहा खाने का होता है, ये कोई बीमार वगैरह होता है ना तो उसके लिए शफा होता है। और शतू देखो माशाल्लाह जी कितना हरा भरा हो गया, बारिश का पानी से दिला माशाल्लाह जी हरा भरा हो गया। और ये सवांजना है ये भी माशाल्लाह जी फूटने लग रहा है, और तो यहाँ पे यानी कि भाई चाची जी ने अपना यानी कि भाई गोल घेरा करा हुआ है, यहाँ पे कोई धनिया वगैरह ऐसे कुछ चीज़ लगा सकते हैं। जी चाची जी आ गए नलके पे कपड़े धो रही हैं माशाल्लाह जी, चाची जी आप रोज कपड़े ताज़े कपड़े हाथ से धो लेते हो ना? हाँ जी, मौसम खराब है ना मतलब हाँ जी ताज़े धो लेती हूँ। सही है, फिर मैंने पट्टे पे काम बंद हो रहे हैं। हाँ काम बंद हो रहे हैं, हाँ पानी खड़े क्या कर रहे हैं, कल की फिर बारिश बताइए, मुल्तान में भी कल मूसलाधार बारिश आई है। अच्छा गंदम काटने जाओगे, माशाल्लाह माशाल्लाह,
इधर इनाम भी आ गया आपके पीछे पीछे वो देख रही है अभी मम्मी क्या काम कर रही हैं। ताजे धो लेती हूं ना फिर। हाँ जी हाँ जी। देर कपड़े हो जाते हैं। हाँ जी, मैं अभी बस ना कभी हाथ से धो लेती हूं, कभी मशीन से लगा लेती हूं। हाँ। बच्चे हैं ना, आपको पता है, फिर बच्चे से रोज भूल जाते हैं, फिर रोज उनकी वर्दियां यूनिफॉर्म धोना पड़ता है, तो इस वजह से सही है। अच्छी बात है। और साथ ही ट्रैफिक चल रही है, सड़क है, हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। माशाल्लाह ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी हुई है अंदर से। तो चलो फिर ठीक है चाची, आप कपड़े धो लो। चाचा जी कहीं गए मैं किसी काम से गए मैं? हाँ, गए हुए हैं, बस तैयारी करेंगे ना काम। अच्छा अच्छा, फिर गंदम काटने आप जाओगी या चाचा भी साथ जाएगा? नहीं, मैं जाऊंगी और मेरा बेटा जाएगा। अच्छा, सुमाइल? नहीं, हसनैन। माशाल्लाह, अब वो काम से गया किसी? हाँ, बाहर गया है। अच्छा, सही है, ठीक है। और ये मुर्गी अंडे दे रही है चाची? नहीं, नहीं? बेचारी अकेली है ना, इस वजह से अंडे नहीं दे रही है। दो साथी हो जाए ना फिर चलो अंडे वगैरह देने लग जाएगी। रुपिया के पास भी हैं माशाल्लाह, चार मुर्गियाँ हैं, एक अंडा रोजाना की दे रही है, कभी एक दे रही। अच्छा, ये नहीं दे रही? हाँ, माशाल्लाह है तो बड़ी सारी। चलो दो हो जाती है ना। चलो ये अकेली है ना बेचारी। सही है। हम जी आए थे इधर खेतों में, तो यहाँ पर ये कबीलू है, ये देखें फिस गया है। सबसे छोटा और छोटा फल है, अल्लाह ताला का फल है, बड़ा ही प्यारा है, मगर ये खाने का होता है, इसे खाया करते हैं। छोटी छोटी ये बूटी लगी हुई इस पे लगा। हाँ जी, ये देखें ये बूटी लगी हुई बूटी है ना, ये इस पे अभी कच्चे हैं, जब ये पक्के हो जाएंगे फिर ये खाएंगे। ये देख रहे हैं ना आप, हरे हरे ये लगे हुए हैं ये सामने, ये फिर ब्लैक होते हैं। अभी इन्हें तोड़ते नहीं, जब पक जाएंगे फिर इन्हें तोड़ेंगे। हाँ जी, फिर फ्रिज में उठा के रख देंगे, फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर शाम का टाइम खाएंगे। हाँ जी। तो प्यारे बहन भाई को दिखाते हैं, यहाँ पे मकाई भी माशाल्लाह काफी बड़ी बड़ी हो गई है, और टमाटर भी दिखाते हैं। और सामने ये बाग है इधर सारा, कितना प्यारा माहौल लग रहा है। और आपको अब दिखाते हैं आगे जाकर टमाटर। टमाटर चलो जी। प्यारे बहन भाई, हम जो है टमाटरों के और तरबूजों के और कद्दू और प्याज इन चीजों के जो है खेत में हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे क्या लगे हुए थे पहले? मैं भी इधर आलू लगे हुए, करेले लगे हुए थे यहाँ से, करेले भी लगे हुए थे, आलू भी लगे हुए थे, और उस साइड पे हमने मटर तोड़े थे। हाँ जी, वहाँ पर सामने मटर तोड़े थे, और वहाँ से जो अब जो है मकई लग गई है। जब ये टमाटर पक जाएंगे ना फिर हम फिर टमाटर भी लेंगे। हाँ जी। तो चाचा जी हम टमाटर भी लेंगे, और फिर हंदवाने जब बड़े हो जाएंगे फिर हंदवाने भी हम लेंगे। हाँ जी। तो माशाल्लाह जी हमारे लैया का हंदवाना इतना मीठा होता है ना, इतना मीठा होता है, शहद की तरह मीठा मीठा होता है, खाने को भी दिल करता है। जब ये हंदवाने पकेंगे फिर अपने प्यारे बहन भाइयों को हम दिखाएंगे ये बीज धवाना ऐसे यहाँ पे मैंने कभी हमारा यहाँ पे धवाना पकता है यहाँ पे। हाँ जी, ये टमाटर लगे हुए एक साइड पे, और एक साइड पे जो है ये यानी के बल्ले लगे हुए हैं तरबूज की। और देखो जी माशाल्लाह ये अभी तक बथुआ खड़ा है, अब साग का मौसम खत्म हो गया मगर बथुआ अभी तक आएगा। हाँ जी, बीजा है ना भैया, देखे तो बस यही बीच में हो जाता है ना, घास वगैरह उग जाता है, फिर वो भाई होते हैं उधर मुझे लग रहा है मिर्ची और करेले लगे हुए देखे। चलो फिर देखते हैं, चलो फिर हम वहाँ जाते हैं। सारी इतने हम दिल खुश हो रहा है देख के, और सामने ही सूरजमुखी, और इधर सड़क के पतली साइड पे भी मकाई है, और इस साइड पे भी मकाई है। अब चलते हैं हम आगे करेलो, देखते हैं कि है या नहीं है लगे हुए। हम काफी दिनों से कह रहे थे हम तो जाएंगे, बस काम में मसरूफ रहते हैं, टाइम नहीं इतना मिलता, तो आज टाइम निकाल के हम बाहर आए। हाँ जी, चलते हैं। आप ये जो बल आप देख रही है ये वाली, ये करेलों की है, और ये पूरी लाइन जो है ना करेलों की है, और इधर जो है एक लाइन करेलों की है, और एक जो है टमाटरों की। और ये प्याज भी इधर लगे हुए हैं माशाल्लाह, यानी कि भी काफी चीजें लगाई हुई है, टमाटर भी हैं, प्याज भी हैं, हंदवाने भी हैंगे, करेले भी हैंगे, काफी यानी कि माशाल्लाह सब्जी हैंगी। तो जब ये सब्जी पक जाएगी फिर हम ताई ताई थोड़ा करेंगे, और हमने मटर ताजे तोड़े ताजे पका लिया, इतने मजेदार मटर बनते थे ना। और मुझे लग रहा है कद्दू भी लग रहे हैं इधर, कद्दू है ये क्या चीज है?
ये क्या चीज लगी हुई है? ये शायद कद्दू की बेल हो शायद। हाँ जी, ये कद्दू ही लगे हुए हैं और साथ में करेले का भी बीज लगा हुआ है। माशाल्लाह जी, काफी है ना। ये भी फूल बहुत ज्यादा हो रहे हैं खाला जी। ये भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये वो बूटी है जी, इसके अंदर से जो है ना ब्रीक ब्रीक वो निकलते हैं पीले पीले से। हाँ जी, जो आपने पहले भी बताया था भाई, उन्हें सड़ा कर तेल में डाल के कान में डालते हैं। तो वो ना मेरे इनाम के कान में दर्द हो रहा था ना, खारिश कर रहा था, तो मैंने पका के कान में डाला है ना, तो ना आराम आ गया था इनाम का। तो हाँ जी सही है। तो अब हम जो है घर जा रहे थे, टमाटर वगैरह सारे दिखा दिए थे प्यारे बहन भाइयों को, तो अब जो है हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अब इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो जाके इफ्तारी बनाते हैं। बस जरा फिर हम बाहर निकल आए, तो मैंने कहा चला व्लॉग में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी और जरा हमारा भी जरा टाइम पास हो जाएगा। हाँ जी ना भाई, बोर हो रहे थे, अब जाके अपना अपना काम जारी करते हैं। हाँ जी, दाल वगैरह चलाती है जाकर, उसके बाद जो फिर अजान आएगी नमाज पढ़ के, तो उसके बाद जो फिर रोटी छोटी बना लेंगे, फिर रोज़ा खोल के फिर नमाज पढ़ लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम घर, क्योंकि हम खेत में से घर आ गए हैं। तो यहाँ पे ये रुकिया सिस्टर बच्चों की वर्दियाँ वगैरह सीने लग रही हैं, तो वर्दियाँ फटी हुई थी वो सेट सेट करी हैं। मेरी बेटी की भी वर्दी सेट करी है ये वाली हैगी, और अपनी बेटी की वर्दी सेट करने लग रही हैं, क्योंकि बच्ची है ना, फिर आपको पता है फिर स्कूल वाले कहते हैं भी ना, जैसा बच्चे स्कूल वर्दी पहन कर आते हैं ना जी, तो वैसे ही बच्चों यूनिफॉर्म आप लेकर दें। हाँ जी, तो ये थी आपकी कजन की थी जी, तो वो कहती हैं आप ले जाएं, फिर मैं आपको ना जब आऊंगी ना, मैं बच्चों का नया यूनिफॉर्म बना के लाऊंगी। सही, अच्छी बात है। वो कटिंग कर लेती है ना, हाँ जी, कटिंग करनी नहीं आती ना। हाँ जी, वो बाजी आपकी कर लेती है ना, कटिंग बच्चों की कपड़े खुद ही करती है। सही है, ठीक है, जब आऊंगी मैं तो खुद ले आऊंगी कपड़े ले। ठीक है, अब हो गई सारी मुकम्मल हो गई है। चाक मुनी है, बस मैं सालन रखती हूँ, अच्छा, नमाज पढ़ती हूँ, अच्छा, नमाज पढ़ के भी सालन रखती हूँ, इसके चाक कर। क्या बनाना है आज आपने? इसके पापा लेकर आए हैं पीले। अच्छा सही है, माशाल्लाह जी, रुकिया सिस्टर ने नमाज वगैरह पढ़ ली है, तो आप मसाला भी यहाँ पे माशाल्लाह ये रेडी कर दिया है, और बनाए लग रही हैं टिंडियाँ, टिंडियाँ वगैरह काट ली हैं माशाल्लाह, मोटी मोटी नहीं काटी आपने? खुशक चीज खाने को दिल नहीं करता, छोरे वाली चीज अच्छी लगती है। सही है, हाँ जी हाँ जी, सही है, ठीक है भाई। भाई जान समोसे ले आए? सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। और माशाल्लाह जी, आग भी जबरदस्त जलने लग रही है। उधर मैंने भी दाल रखी हुई है, दाल मेरी बस पकने वाली है, बस तड़के वाले चावल बना लूँगी मैं। चलो, काफ़ी काफ़ी दिन हो गया, तो मुनीब तो कहते मम्मा नहीं रहने दो, मैंने कहा नहीं बनाने चाहिए। नहीं बना दें, आपसे मेरे को हाँ हाँ जी सही। यह सिस्टर ने मसाला अच्छी तरह बुनाई कर लिया, और टिंडे की भी बुनाई हो गई है, तो अब डालने लग रही इसमें पानी। हाँ जी, माशाल्लाह जी, और रोज़ा भी हमने माशाल्लाह जी खोल लिया रोज़ा, तो अब अजान हो चुकी है, तो अब नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, इतने आपका सालन तैयार हो जाएगा, क्योंकि रोटी की तो हमें तलब होती नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, दिल ही नहीं करता, बस समोसे वगैरह खा लेते हैं, पकौड़े वगैरह खा लेते हैं, दिल ही नहीं करता कुछ खाने को, ऐसा लगता है बस। हाँ जी, नमाज पढ़ भी लेते हैं, फिर वो ज्यादा ना। हाँ जी, क्योंकि मैं तो खाना बाद में खाती हूँ, रोज़ा खोल के ना, यानी कि भी फिर बाद में, यानी कि जब नमाज पढ़ती है ना ईशा की, उस वक्त फिर मैं रोटी खाती हूँ, मेरा फिर दिल नहीं करता खाने को ना। चला जी, रुकिया सिस्टर ने सालन वगैरह बिल्कुल रेडी कर लिया है, तो अब यहाँ पे काटने लगे हैं बच्चों के लिए चिप्स। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं मामा मैं आप ना मुझको ना चिप्स बना दो, मैंने कहा ठीक है बेटा चिप्स बना देती हूँ आपको। सही है, तो वैसे भी आज मैंने पकौड़े नहीं बनाए थे। अच्छा, तो ज़ाहिर बता एक दिन नहीं बनाते ना तो दिल बच्चों का वो भी नहीं होता, करने लगता है खाने को। अच्छी बात है ना, जो बच्चे कहे हैं तो मतलब वही चीज़ फरमाइश बच्चों की बंदा वही पूरी कर ले, मतलब बच्चों वास्ते तो कर रहे हैं जी जी, अल्लाह पाक बच्चों के लिए दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, और वीडियो कर गया सिस्टर, आज आप एंड कर लो। ये
थी आज की ज़बरदस्त वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।